तो बच्चों हम कल पीछे क्या डिस्कस कर रहे थे, कल हम लोग पढ़े थे दूरबिंदु, दूरबिंदु और अधिकतम दूरी व अधिकतम दूरी है ना। बातें मत करिए कोई, एकदम साइलेंट। निकट बिंदु, निकट बिंदु व स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, कल हम इसके बारे में चर्चा कर चुके थे। दूरबिंदु बताया गया था कि नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकते हैं, उसे हम क्या बोले थे बच्चों, दूरबिंदु। और एक स्वस्थ नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। क्यों बच्चों, जो नए बच्चे आए हैं समझ लीजिए, दूरबिंदु नेत्र लेंस से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बिना समंजन क्षमता के स्पष्ट देख सकता है, उस बिंदु को हम क्या कहे थे बच्चों, दूरबिंदु। और स्वस्थ मानव नेत्र के लिए दूरबिंदु कहाँ पर होता है, अनंत पर होता है। क्लियर। अब निकट बिंदु हम बताए थे कि नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु, नेत्र लेंस से निकटतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, दोनों में डिफरेंस क्या है, दूरबिंदु में बिना समंजन क्षमता, उसमें समंजन क्षमता की आवश्यकता नहीं, जबकि निकट बिंदु में क्या है, अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं, तो हम इसे बोलते हैं बच्चों निकट बिंदु। और एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। और निकट बिंदु से नेत्र लेंस तक की जो दूरी का नाम दिया गया बच्चों, उसी का नाम दिया गया स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और नेत्र लेंस तथा दूरबिंदु तक की दूरी को क्या नाम दिया गया, अधिकतम दूरी। इसके लिए अधिकतम दूरी क्या होता है, इनफाइनाइट, और इसके लिए कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। कोई प्रॉब्लम? तो जो नए बच्चे आए समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक बच्चों, हेडिंग नाम लिखो बच्चों दृष्टि दोष, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष दृष्टि दोष ठीक है बच्चों, तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर दृष्टि दोष के बारे में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, उम्र के अनुसार मानव नेत्र में बहुत से दोष पाए जाते हैं, है ना। कुछ व्यक्तियों में बचपन से अर्थात 7-8 साल के बाद, है ना, उसी स्थिति में चश्मे लगाना यूज कर देते हैं, होता है कि नहीं भैया, 8-9 साल के बच्चे होते हैं उनको भी चश्मा की ज़रूरत पड़ जाती है, उनके भी नेत्र में दोष हो जाता है। कुछ लोग को यहाँ पर बुढ़ापे में आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसकी कोई सीमा नहीं है, कभी भी हो सकता है। और ये होता कैसे है दृष्टि दोष बच्चों, कुछ लोग का तो अनावश्यकता लक्षण होता है, अगर उनके माता पिता को हुआ है तो भैया उनको भी लगना है चश्मा, है ना। और कुछ लोग को क्या, खाने पीने में ध्यान ना देना, लापरवाही करना, है ना, ज़्यादा रोना, भाई रोने से भी आपकी आँख में प्रॉब्लम होती है ना, आँख से आंसू गिरते हैं, अगर हमेशा गिरते रहेंगे बच्चों तो दोष हो जाएगा। अब ये दोष, यही दृष्टि दोष जो है कई भागों में डिवाइड कर दिया गया, इसी दृष्टि दोष को हम कई भागों में डिवाइड कर दिए। निकट दृष्टि दोष पहला पॉइंट का, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टि दोष, और चौथा अबिंदुकता, और एक पांचवा पॉइंट भी होता है जो सिलेबस से कटा है, जिसका नाम क्या है बच्चों, वर्ण अंधता, वर्ण अंधता मतलब ब्लाइंडनेस, वर्ण अंधता। इस इन पांचों दोष में एक ऐसा दोष है उसका कोई इलाज नहीं है,
जिसका कोई इलाज नहीं है, वर्ण अंधता। और एक अबिंदुकता भी होता है, इसका भी कोई खास इलाज नहीं है। चल रही है चर्चा इसके बारे में, अबिंदुकता, क्लियर। वर्ण अंधतम, अब हम बारी बारी से पांचों को पढ़ेंगे हम लोग। तो पहले लिखते हैं बच्चों दृष्टि दोष की परिभाषा, दृष्टि दोष से लिखेंगे भैया। जब आंखों की समंजन क्षमता, हम अपने से बना के लिखा दे रहे हैं ज़्यादा सही रहे, जब आँखों की समंजन क्षमता नष्ट हो जाती है जब क्या बोले बच्चों, जब आँखों की समंजन क्षमता नष्ट हो जाती है तो मानव नेत्र, तो मानव नेत्र निकट व दूर की वस्तुओं को, तब मानव नेत्र निकट व दूर की वस्तुओं को, मानव नेत्र दूर व निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। आज समझ में आ रही बच्चों, ले लो फिर समझाते हैं फिर से, स्पष्ट नहीं देख पाता। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अमित। अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के पीछे या आगे बन जाते हैं, रेटिना के पीछे या आगे बन जाती है। बात समझ में आ रहा बच्चों? अच्छा, ये समंजन क्षमता, शुरुआत में मैंने लिखाया समंजन क्षमता, समंजन क्षमता की परिभाषा बताया गया था बच्चों, क्या बताया गया था कि मानव नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब बच्चों यही दृष्टि दोष में आ गया कि यदि मानव नेत्र की समंजन क्षमता नष्ट हो जाती है, ध्यान समझना परिभाषा, फील करिए, फील करना इसको, यदि मानव नेत्र की समंजन क्षमता छीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है, नष्ट हो जाने का मतलब फोकस दूरी परिवर्तित नहीं होगी, है ना, ध्यान समझिए भाई। जब समंजन क्षमता छीण होगी, समंजन क्षमता, ध्यान समझना इसका कॉन्सेप्ट क्या है, समंजन क्षमता नष्ट होगी मतलब छीण होगी, इसका मतलब बच्चों फोकस दूरी, इसका मतलब तब यहाँ पर फोकस दूरी अपरिवर्तित होगी कि नहीं, अपरिवर्तित होगी कि नहीं, और जब अपरिवर्तित होगी तो सीधी सी बात बच्चों, नेत्र का जो गोलक है वो जब अपने आप बड़ा और छोटा हो जाता है तो उसका कमवा बंद हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, नेत्र गोलक का अपने आप बड़ा हो जाना और छोटा हो जाना, वो काम बंद हो जाएगा। और जब उसका कार्य बंद हो जाएगा तो भैया निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देंगी। याद करिए बच्चों, समंजन क्षमता में मैंने आपको यही बताया था कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए नेत्र गोलक क्या होता है, बड़ी होनी चाहिए, मतलब बड़ी हो जाती है। और जब नेत्र गोलक बड़ी होगी तो इसका मतलब वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी, वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी तो फोकस दूरी कम होगी, तब जो है दूर की वस्तुएं रेटिना पर अपने आप स्पष्ट बन जाती हैं, प्रतिबिंब स्पष्ट बन जाता है। और इसके विपरीत निकट की वस्तुओं के लिए, निकट की वस्तुओं को देखने के लिए बच्चों नेत्र गोलक क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब बहुत नॉर्मल देखेंगे ना, इसे दूर की वस्तु ऐसे देखेंगे, है ना, नेत्र गोलक छोटा होगा तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी, कम होगी, तो फोकस दूरी क्या होगी, बड़ी होगी, है ना, इसका मतलब फोकस दूरी परिवर्तित हो रही है ना समंजन क्षमता में,
ऐसी बोला गया किसी नेत्र लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्षमता को क्या, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता। अब बच्चों बताओ जब समंजन क्षमता छीड़ हो जा रही, समंजन क्षमता छीड़ होगी तो फोकस दूरी क्या होगी, अपरिवर्तित। और जब अपरिवर्तित होगा कि नेत्र गोलक अपने आप जो बड़ी और छोटी हो जाती है उसका कार्य बंद, अर्थात वक्रता त्रिज्या कम और बड़ा होना बंद। इसका मतलब मानव नेत्र में दोष आ जाता है, क्या आ जाता है, दोष आ जाता है। और इसी दोष को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि। आगे लिखो, जहाँ तक लिखे उसके आगे, कहाँ तक लिखे थे बच्चों, हाँ, इस प्रकार मानव नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है, इस प्रकार मानव नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाता है जिसे दृष्टि दोष कहते हैं, जिसे दृष्टि दोष कहते हैं। क्लियर बच्चों? अच्छा हाँ, मुझे एक बात याद आई यहाँ पर, दृष्टि दोष से ही, दृष्टि दोष की परिभाषा समझ में आया, दृष्टि दोष से बच्चों एक बात मुझे याद आ गई, हम एक हेडिंग छोड़ दिए दृष्टि परास, क्या छोड़ दिए, दृष्टि परास, कोई बात नहीं बच्चों, नाम एक ही जैसे मिल रहे हैं। अब हम दृष्टि दोष के प्रकार बाद में पढ़ते हैं, पहले दृष्टि परास पढ़ लें ना, दृष्टि परास रेंज, मतलब ऐसा कुछ रेंज होगा जहाँ तक आप किसी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हैं। बहुत बढ़िया समझते हैं इसको यार, दृष्टि परास, इसको पीछे लिखना साइड, है ना, दूर बिंद और निकट बिंद के बाद इसको लिखना है, ठीक है ना, तब दृष्टि दोष लिखना, हम भूल गए बच्चों, ध्यान नहीं दिए दृष्टि परास क्या होता, तो ध्यान देना बच्चों, है एनसीईआरटी में है दृष्टि परास। दूर बिंदु कहाँ पर होता था बच्चों, अनंत पर, दूर बिंदु कहाँ पर होता है, अनंत, मतलब अगर मानो नेत्र में कोई दोष नहीं है तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, पक्का, ठीक, ये दूर बिंदु के लिए। निकट बिंदु कितना होता, 25 सेंटीमीटर, अच्छा, अर्थात मतलब मानव नेत्र में अगर कोई दोष नहीं है तो निकट की वस्तु अर्थात 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, इसका मतलब उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, रेटिना पर बनेगा। तो भैया इन्हीं दोनों के बीच जो परास है, जो रेंज है, उसी को बोलते हैं दृष्टि परास, मतलब वह रेंज या वह परास, परास का मतलब रेंज, वह उतना क्षेत्र, ऐसा बोल सकते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ तक मानव नेत्र किसी भी वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता है, उस परास को हम क्या बोलते हैं, दृष्टि परास। इसका मतलब बच्चों दृष्टि परास कहाँ से कहाँ तक होगा, इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर से अगर 24 सेंटीमीटर हुआ तो वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर इनके ही बीच में कोई भी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा, कब बनेगा, जब मानव नेत्र में कोई दोष ना रहेगा तब। क्लियर? इसी बोलते हैं दृष्टि परास। कॉपी करते हैं बच्चों, लिखते हैं दृष्टि परास की परिभाषा, लिखो वह क्षेत्र या परास, परास को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रेंज, वह क्षेत्र या परास जहां तक मानव नेत्र बिना समंजन क्षमता के वस्तु के प्रतिबिंब को स्पष्ट देख सकता है, उसे दृष्टि परास कहते हैं, अर्थात उस परास को या उस रेंज को व उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, दृष्टि क्षेत्र या दृष्टि परास भी बोलते हैं। क्लियर? दृष्टि क्षेत्र भी बोल सकते हैं, ठीक भैया।
आप जरा इसको फील करिए यार। जैसे मान लेते आप अपने आप अपने ऊपर एक व्यवहारिक उदाहरण बनाइए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और बहुत दूर रखी वस्तु को हम देख पा रहे हैं। मान लेते हो कहाँ पर है बच्चों? इन्फाइनाइट पर। कहाँ पर है? इन्फाइनाइट, मतलब इन्फाइनाइट पर अनंत पर रखी वस्तु को स्पर्श हम देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद नज़दीक आते जाए आगे आते गए तो हम देख रहे थे बच्चों कि हमारे नेत्र लेंस से 25 सेंटीमीटर तक, कितना? 25 सेंटीमीटर तक हम उस वस्तु का प्रतिबिंब अच्छे से देख पा रहे हैं, बहुत अच्छे से रेटिना पर बंधा। लेकिन जैसे 25 सेंटीमीटर से कम हुआ, 10 सेंटीमीटर 14 हुआ, 24 हुआ, 20 हुआ, तो देखते बच्चों उस वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। इसलिए कहा जाता है बच्चों पढ़ाई करते समय या पढ़ते समय कम से कम जो है आपको कितना सेंटीमीटर दूर रखना चाहिए किताब को? 25 सेंटीमीटर, है ना। अगर आपकी आँख में कोई दोष नहीं है तो 25 सेंटीमीटर देखकर आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। और धीरे धीरे कापी को आप एक दिन नज़दीक लेते आते जाएंगे ना तो स्पष्ट कम दिखाई देता है कि नहीं? दिखाई देता है स्पष्ट। कर लो चेक कर लो, एक एक्सपेरिमेंट कर लो, ऐसे करके देखो, चकाचौंध लगने लगता है ना, अक्षर डबलिंग होने लगती हैं। और यहाँ पर देखो ये 25 सेंटीमीटर तो यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर, कितना अच्छे से दिख रहा। तो दृष्टि क्षेत्र का मतलब समझ में आया? दृष्टि क्षेत्र का मतलब समझ में आ गया तो आगे लिख लो भैया। दृश्य क्षेत्र समझ गए तो आगे लिख लो इसका परास क्या होता है, जिसका आगे लिखो, नोट करके लिखना दृष्टि परास। इसका परास, सॉरी क्या बोले बच्चों? दृष्टि परास अनंत से 25 सेंटीमीटर तक होती है, तक होती है, मतलब इन्फाइनाइट टू 25 सेंटीमीटर, इसके मिडिल में आप बहुत अच्छे से प्रतिबिंब को देख सकते हैं। ठीक है ना? ठीक भैया, इस प्रकार यहाँ पर आ गया वो लिख लेना, अर्थात करके लिखना बच्चों, अर्थात दृष्टि परास इज इक्वल कहाँ से इनफाइनाइट से 25 सेंटीमीटर। क्लियर भैया? तो समझ में आया? तो दृश्य दोष, दृश्य परास। अब आते हैं बच्चों हम अपने टॉपिक पर, आते जो चल रहा था इसको आपको कहाँ पर लिखना जानते हो? दूर बिंदु और निकट बिंदु के बाद, फेयर में भूल गए बच्चों, ध्यान ही नहीं दिए, दृश्य दोष आ गए डायरेक्ट। अब देखते बच्चों दृश्य दोष के प्रकार, हेडिंग का नाम लिखो भैया, दृश्य दोष के प्रकार। दृष्टि दोष के प्रकार, दृष्टि दोष के प्रकार, तो लिखो ये मानव नेत्र में निम्नलिखित दृष्टि दोष होते हैं। लिखो मानव नेत्र में निम्नलिखित दृष्टि दोष होते हैं, मानव नेत्र में निम्नलिखित दृष्टि दोष होते हैं। नंबर एक, पहले पॉइंट लिख लेते हैं ना बच्चों, आज तो कंप्लीट होगा नहीं, पहले ही कंप्लीट हो गए। ओके, पूरा समझाना और फिगर बनाना पड़ेगा। नंबर एक, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। दूसरा बच्चों दूर दृष्टि दोष, तीसरा है जरा दृष्टि दोष, और चौथा है बच्चों आबिंदुकता, पांचवा है बच्चों वर्ण अंधता। तो ये मानव नेत्र में पांच प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं बच्चों। ठीक है, लिख लो। ठीक बच्चों, अब बारी बारी से इनको हम समझते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों निकट दृष्टि दोष, हेडिंग का नाम लिखेंगे निकट दृष्टि दोष।
हाँ एक पॉइंट पढ़ लेते हैं बच्चों, उसके बाद फिर आगे कल पढ़ेंगे। निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझना। या एक ऐसा दृष्टि दोष होता है जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, तो ऐसे दोष को हम क्या बोलेंगे, निकट दृष्टि दोष। बात समझ में आया, तो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी लिखो। देखो वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, जिसमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर बच्चों? वह दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाती हैं। बहुत गर्म रहा है। तो प्यारे बच्चों बस किया जाए, है ना।